हाय एवरीवन, चश्मा पहन लो क्या? नहीं, रहने देती हूँ, ठीक है। सो आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ, बताती हूँ कि मैं क्यों खुश हूँ। आज सुबह से मेरे पास 9 या 10 बजे के करीब मेरे पास कॉल आया था कि मेरा कोई पार्सल है जो कि मुझे मिलने वाला है। तो मैंने तो अभी करेंट में कोई पार्सल ऑर्डर किया नहीं था, और मतलब जितने भी मेरे पार्सल्स थे वो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके थे, मतलब डिलीवर्ड हो चुके थे। और जो किया भी है मैंने ऑर्डर खुद से पर्सनली, उसका डेट है 7 मई 5 मई 8 मई, ऐसे उसका डेट है। तो नॉर्मल सी बात है कि 2 दिन में तो पार्सल आएगा नहीं मेरा, तो वो पार्सल तो हो नहीं सकता। मैंने उसका फिर से चेक भी किया कि लाइक फास्टेस्ट डिलीवरी वाला कुछ आता था ऑप्शन, तो वैसा तो कुछ नहीं है। तो वो सब डिलीवरी मेरा जितना टाइम दिया था वही तब मतलब लाइक तभी आएगा। तो मैंने सोचा कि अब क्या होने वाला है, और उस पर केवल बस दिख रहा था कि आपका आज कुछ डिलीवर होने वाला है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था। तो उसके बाद से मेरे पास 5 या 10 मिनट बाद, जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो 5 या 10 मिनट बाद मेरे पास एक वो आया, कॉल आया कि मैडम आपका पार्सल है जो कि आपको आज डिलीवर्ड होने वाला है, मतलब आउट फॉर डिलीवरिंग हो गया है, आप एड्रेस बता दीजिएगा, एड्रेस क्या है। तो मैंने एड्रेस बता दिया उन्हें, और मैंने पूछा कि प्रीपेड है या पेड करना है मुझे, लाइक पेड है या प्रीपेड है। तो उन्होंने बोला कि प्रीपेड है। तो इससे ही मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि प्रीपेड है तो कोई मेरे चाहते इंसान ने तो मुझे दिया नहीं होगा ऑफकोर्स। तो मतलब कि ये मुझे यूट्यूब की तरफ से ही आया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ना, जब वो आया और जब डोर बेल बजी तब मैं नहा रही थी, एक्चुअली मैं बात ले रही थी। तो स्विगी ने पार्सल लिया, और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है ना मुझे जब भी वो लोग बोलते हैं मैडम आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। मैं तो तन्नो मिश्रा हूँ ना, तो अपना सिग्नेचर करने में बड़ा मज़ा आता है। तब वहाँ पे मैं अवेलेबल थी नहीं, मैं बात कर रही थी, इस वजह से स्विगी ने मेरा सिग्नेचर कर दिया। और वो स्विगी को ऊपर से नीचे तक ऐसा देख रहा था लाइक कि भिखारी जैसी है तन्नो मिश्रा ऐसा, क्योंकि उसका ड्रेसअप कुछ वैसा ही था, बाल बाल भी नहीं बने थे, वो मुझे बता रही थी। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उसने क्या पहना था। तो उसके बाद जो पार्सल लेके आए तो मैं वॉशरूम से ही बोल रही थी कि खोला मत, खोला मत, मुझे वीडियो शूट करना है। तो उसने खोला नहीं, और ये इतना ज़्यादा भारी है ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ। आप आई बिलीव कि आप देख पा रहे होंगे, ये है पार्सल। और सबसे अच्छी इस पार्सल की मुझे ये बात लगी है कि इस पार्सल पे यहाँ पे लिखा हुआ J&J व्लॉगर्स बॉक्स, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, पता नहीं ये क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। ये मेरा नंबर दिया है यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर का वो नंबर है मेरा। उसके बाद से जब पार्सल पे अपना नाम है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। कि देखो यहाँ तन्नो मिश्रा लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, बहुत भारी है गाइस। ये देखो J&J ब्लॉगर बॉक्स, यहाँ से आप देखो तन्नो मिश्रा। सो ये है मेरा पार्सल, मुझे खुद नहीं पता कि क्या है। मैंने जैसा कि बताया कि वहाँ पे मेंशन भी नहीं था कि आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो मुझे ये रिसीव हुआ है, अब चलो से देखते हैं कि इसमें क्या है। वैसे तो ये भारी बहुत ज़्यादा है, और तो देखते हैं, बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के कुछ पार्सल्स आते हैं, तो और तब जब आपको पता भी नहीं है ना, सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। लेट्स गो। बहुत खुशी है, देखो देखते हैं। आप लोगों को लगा कि मैंने ये ऑर्डर किया है, पर मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने अपनी मतलब एक छोटी सी बच्ची का वीडियो डाला हुआ है जॉनसन्स बेबी से रिलेटेड, उसका ही ये प्रोडक्ट है। बहुत 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 खुश हूँ मैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये है जॉनसन्स बेबी का प्रोडक्ट जो कि मुझे फ्री आया है, और मैं बहुत खुश हूँ। सब देखते हैं, मम्मी देखा, look at this, it's so heavy as you can see, I believe, मैं क्या क्या रिसीव हुआ है हम लोगों को। सो पहले तो ये है कुछ कार्ड, कुर्सी कार्ड है या स्टिकर पता नहीं, बाद में देखते हैं। और ये एक लेटर फ्रॉम जॉनसन्स बेबी ऑफ कोर्स, उसके बाद तो ये क्या है अगेन लेटर, ये पेमेंट कर दो यार इस पे थोड़ा पता नहीं ये क्या है, कुछ स्टिकी फिट है पता नहीं, टेस्ट स्टिकी टेस्ट पता नहीं क्या है। उसके बाद इसमें मुझे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, ये जॉनसन्स बेबी का लोशन, ये जॉनसन्स बेबी का ये क्रीम, जॉनसन्स बेबी का ये सोप, मैं उस बच्चे को दूंगी ये, मैं तो यूज़ नहीं कर सकती ना, मेरा बुढ़ापा आ चुका है। तो मैं ये जॉनसन बेबी का ऑयल, सब ऊपर खाती है।
और ये जॉनसन्स बेबी का टॉप टू टो बाथ, पता नहीं क्या है, शैम्पू है या हाँ शैम्पू ही है ये। यस, तो बुढ़ापा हो गया है तो समझ में नहीं आया क्या है मुझे। नहीं माता जी, ये मुझे लग रहा है कि ये बॉडी वॉश है क्या बोलते, और ये है शैम्पू और उसके साथ मिला है एक ही, तो ये मैं उस बच्चे को नहीं देने वाली, मुझे पसंद आ गया। तो कल भी बदतमीज था, तो आज भी बदतमीज है। ये पता नहीं ये इसका इस्तेमाल क्या है, पर ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है ये से लगा सकते हैं। हाँ साहब, तो मैं ये रख रही हूँ अपने पास, पहले बता दे रही हूँ। ये उसके बाद से इसमें से कुछ नहीं है, ये एक ट्रे है जिसमें आप ये सारा सामान को रख के अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। उसके बाद ये घास भूसा आप सभी के लिए। तो ये सब मुझे रिसीव हुआ, मैं इसको खोल के देखती हूँ कि इसमें क्या है, कहीं मेरे लिए कोई प्रेम पत्र तो नहीं। कुछ प्रेम पत्र नहीं है बेटे दोस्तों, ये कुछ प्रॉमिस है पहले से, पहले पल से आई एम आई कुछ, इसको मैं अपने खाली समय में पढ़ूंगी, अभी तो काफ़ी बिजी हो ना, यू नो बिजी वुमेन। तो ये था कुछ मेरा जॉनसन्स बेबी का प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत 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 पसंद आया, और थैंक यू सो मच, बाय।